Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. गुत्ते च परांदा तेरी, तेरी गुत्ते च परांदा साढ़े हाथ च रुमाली. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? Hey boy. मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ. ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ भी बोल रहे, मुझे बेड से तो नहीं उठा पाएंगे ना. मुझे बेड से तो सिर्फ मेरा एक्स ही उठा पाता था. एक्चुअली वो उठाता नहीं था, वो तो छाल देता था. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और मुझे उसी तरीके की मोटिवेशन चाहिए अपनी लाइफ में. क्या हुआ आपको? अरे बस हमने गले में टॉफी अटक गई है, ना ही उगल पा रहे हो ना ही निगल पा रहे हो. तो मैं रुकी कि मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी. अरे ना ही, बहुत पानी पी के दिख रही, कोई फायदा नहीं है. तो एक काम करिए, मुंह में उंगली डालिए और उल्टी कर दीजिए, टॉफी निकल जाएगी. अरे ना ही भी. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी करके देखिए, कोई फायदा नहीं है. अच्छा ऐसी कोई चीज है जो हमारे मुंह में आसानी से चली जाए? मुझे देखना. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं ये अपनी मुंह खोलिए. जो चीज आसानी से हमारे मुंह में चली जाए वो हमें नीचे टच हो जाए. Take it away. A few moments later. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. Hey hun, can you open this? Yeah, of course. I'd love to open that for you. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? Oops. Oh, you spilled a little bit. क्या बोला तूने? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भोसड़ी के, तू मेरी टंगे उठा उठा कर लेता रहेगा, शादी का तेरा बाप करेगा बहनचोद. बात तो सही है. बताओ चूतिये, कौन करेगा शादी? तुझे याद है मेरा वो बॉयफ्रेंड? कौन? अच्छा यार, उस भोसड़ी वाले ने मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया. अबे बहनचोद, मजे तो तूने भी लिए होंगे ना, देरी हो गई पहले टांगे उठा उठा के. Women. ये छोकरी कितनी मजबूत है, इतना बड़ा केला झेल रही है. हाँ, मैंने तो इससे भी बड़ा झेला है. अच्छा अच्छा, हमें सतर्क रहना है. हमारी गलती है मतलब सारी. मुझसे बड़ा तो नहीं झेला होगा. एक बार मैंने अफ्रीका में काला केला झेला था, जिसका तो साइज ना बहुत मोटा होता है. ए, मुझे चैलेंज मत कर, अगर मैं मेरा गिनाने लगूंगी ना तो तेरी फट जाएगी. आज तक कोई मेरा फाड़ सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ. चलो देखते हैं कौन कितना बड़ा झेल पाएगा. हाँ तो निर्लज, तो फिर आ गया. मैं डरती हूँ क्या? मेरे सिमसिम में अली बाबा के 40 चोर भी घुस जाए ना तो मैं झेल लूंगी. हाँ, तू 40 की बात कर रही है? मेरे कुएं में तो 400 मेंढक आके जा चुके हैं. ए, रहा नहीं जाता. सुनो, आसपास एक रूम का जुगाड़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? हम तुम्हारे साथ इतनी रात को सिर्फ बियर पीने थोड़ी आए. तू समझा? हाँ तो समझो ना. मनु, हमें लगता है तुम्हें बियर थोड़ी ज्यादा ही चढ़ गई है, तो उसी का फायदा उठा. यारी कितनी औसम है. हम लाइक भगवान पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मार. करो ना मूवी सच. रूम नियम पर 2-3 hours. कम है, ठीक है, 4-5 घंटे कर लो, नो प्रॉब्लम. मोमेंट है भाई, मोमेंट. टपा टप लैंड क्रूजर
लैंड क्रूजर एंड क्रूजर। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। क्रूजर क्रूजर व्यूजर यूसर आईसर। बस बस बस, ऐसे एक और बकचोदी देख ली तो सबके सब उल्टी मारते फिरोगे। सर एर वुमेन। सर ऐसे वीडियोस देखते हो? नहीं, जब जरूरत पड़ता है तब। और कब कब जरूरत पड़ता है? हफ्ते में 3-4 बार। काम ही ऐसा है ना, एक बार से बात नहीं बनता इसलिए। लेकिन उससे बहुत हेल्प मिलता है, स्पेशली ऑफिस में। ऑफिस में भी? वही तो सबसे ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली मैं ये सब तुमसे क्यों छुपा रहा है? ये वीडियोस मेरे से तुमको जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई वीडियोस। चलो दोनों देखते हैं, दोनों के हेल्प हो जाएगा। हेल्प? ओ हेलो शेख चिली, सपनों से बाहर आओ। तुम्हारे साथ अच्छे से क्या बात कर रही हूँ, तुम तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। अभी मैंने क्या किया? अच्छा पूछ रहे हो क्या किया? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे वीडियोस देखूंगी? बच्चे इस दुनिया में कहां से आ रहे हैं? बच्चे भगवान की देन है। आसमान से एक फरिश्ता आता है, फूलों की पंखुड़ियों में लपेट कर बच्चे को लाता है और माँ की गोद में छोड़कर चला जाता है। ऐसा लगा मेरा मजाक। सुना? क्या सुना, आंटी को तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बच्चे तुम्हारे ही हो सकते हैं।